हेलो गाइस, देखिए ये मेरा एरिका पाम का पौधा है। इसको काफ़ी टाइम हो गया इसी तरह से ये बैग में लगे हुए। अब मैं इसको पॉट में लगा रही हूँ क्योंकि ये देखिए इसकी पत्तियाँ ख़राब होने लग रही हैं, इसलिए मैं इसको अब पॉट में लगाऊंगी, नहीं तो ये ज़्यादा ख़राब हो जाएगा। एरिका पाम का पौधा ऐसा पौधा है जो कि घर में बहुत ही सुंदरता बढ़ाता है। काफ़ी सुंदर लगते हैं ये पाम के पौधे। पाम हो गए, चाइनीज़ पाम हो गए, एरिका पाम हो गया, ये पौधे घर में बहुत सुंदर लगते हैं। लगाओ तो हरियाली काफ़ी होती है इनमें, बस इनको पानी कम देना चाहिए। ये पौधे पानी कम लेते हैं, अगर इनको पानी ज़्यादा दिया तो इनमें फंगस लग जाती है और फंगस लगने के बाद में इसकी पत्तियाँ इस तरह से पीली होने लगेंगी। देखिए ये फंगस की पहचान है। ये देखिए इसमें थोड़ा पानी ज़्यादा चले गया क्योंकि उसमें से पानी निकल नहीं पाया तो इसमें फंगस लगने लग गई थी। और इसकी मिट्टी देखिए एकदम चिकनी मिट्टी है। इस मिट्टी को मैं हटाऊंगी और अपनी भुरभुरी मिट्टी इसमें डालूंगी। ये देखिए कुछ नहीं, मिट्टी में बस वही सभी चीज़ें जैसे बर्मी कंपोस्ट हो गया और कोकोपीट हो गया, थोड़ी सी नीम की खली हो गई। नीम की खली से कभी भी पौधों में फंगस नहीं लगती, इसलिए नीम की खली मिट्टी में ज़रूर मिलानी चाहिए जिससे कि फंगस ना लगे। ये देखिए ये मिट्टी देखिए कितनी चिकनी मिट्टी है। इसको मैं हटाऊंगी और अपनी मिट्टी में इसको लगाऊंगी। एरिका पाम का पौधा बहुत अच्छा होता है, सुंदरता काफ़ी है इस पौधे में। मैं लगाऊंगी, ये पॉट मैंने बनाए थे घर में, इसमें लगा के मैं अंदर अपने बालकोनी में रखूंगी इसको। ये देखिए ये पॉट मैंने घर में ही बनाए थे, बेकार कैन पड़ी थी इसमें बनाए। अभी हाल फिलहाल मैं इसमें लगाऊंगी, फिर मैं इसके लिए एक बड़ा पॉट लेके आऊंगी तो उसमें फिर मैं इसको लगाऊंगी। ये देखिए इसमें हम थोड़ा सा फंगी पाउडर लगा लेंगे क्योंकि फंगी पाउडर लगाने से फंगस नहीं लगती है और पौधा इससे मरेगा भी नहीं। इसकी जड़ों में थोड़ा थोड़ा फंगी पाउडर लगा के अब मैं इसको इस गमले में रिपोर्ट करूँगी। ये मैंने प्लांट बनाया था इसमें रिपोर्ट करूँगी। और इसके देखो ड्रेनिंग सिस्टम, पौधा लगाते समय हमेशा ड्रेनिंग सिस्टम अच्छे से बना लेना चाहिए जिससे कि पानी आराम से बाहर निकल सके। और मिट्टी को बनाते समय मैंने इसमें कोकोपीट, नीम खली और थोड़ी सी सरसों खली, और पामों को लगाने के लिए थोड़ा सा इसमें एप्सन सॉल्ट भी डाल देना चाहिए। एप्सन सॉल्ट से पौधे में हरियाली बनी रहती है हर समय। एप्सन सॉल्ट जो भी पाम लगा रहे हैं हम उसमें थोड़ा सा एप्सन सॉल्ट भी डालना चाहिए। और इसके तरह से जहाँ भी पत्ते ख़राब हो रहे हैं उनको काट देना चाहिए क्योंकि उसी के बगल से दोबारा पत्ते निकल जाते हैं। अगर इनको नहीं काटेंगे तो पूरे पेड़ को फंगस लग जाएगी, इसलिए जो भी पत्ते ख़राब हैं इनको निकाल देना चाहिए। जो पसंद आए लाइक करना, शेयर करना, पेज को फॉलो करना, सब्सक्राइब करना।